नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे DRDO के RCA द्वारा डेवलप किए जा रहे रुद्राम सीरीज को लेके, जिसकी जो पहली मिसाइल थी उसको आप NGARM के नाम से जानते होंगे। ऑलरेडी वो टेस्ट कर ली गई है और सारे डेवलपमेंटल ट्रायल खत्म कर लिए गए हैं। यहाँ पे रुद्राम 2 को लेके एक इन्फॉर्मेशन है कि इसकी 6 यूनिट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू कर दी गई है और ये जो यूनिट होंगे वो इस्तेमाल किए जाएंगे टेस्टिंग के टाइम पे। जो इंटीग्रेशन है MKI से सॉफ्टवेयर लेवल पे वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया था। तो यहाँ पे जहाँ तक बात जाती है टेस्टिंग को लेके, तो प्रॉब्ली 2022 के Q1 में जो टेस्टिंग है वो 30 MKI से शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर रुद्रम 2 की बात करते हो तो जो इसका वेट है वो 0.8 टन के अराउंड रहने वाला है। वहीं पर जो रेंज रहेगी वो 300 किलोमीटर से ऊपर की रहेगी। तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल होने जा रहा है जिसके पास क्षमता होगी एनमी के फोर्टिफाइड इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने की। इसका एक और वेरियंट आ सकता है जो कि रुद्रा M2A के नाम से होगा, जिसमें जो वॉरेड है वो अलग रहने वाला है। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है जहाँ पे 6 टेस्टिंग यूनिट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो चुकी है। इसी में हम बात कर लेते हैं इटालियन फॉर्म लियोनार्डो को लेके, जिसको 2014 में बैन कर दिया गया था फेवरिज्म को देखते हुए। तो यहाँ पे फाइनल जो बैन है वो हटा दिया गया है। बैन 2014 में आया था अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर को प्रिक्योर करते वक्त। इस तरह के 12 हेलीकॉप्टर प्रिक्योर किए जा रहे थे, जिसकी जो डील है वो 2010 में की गई थी और यहाँ पर जो डील थी वो 3600 करोड़ रुपए की थी। डील के अंतर्गत प्रोक्योर कर रहे थे 12 के नंबर में VVIP हेलीकॉप्टर्स जो कि AW101 थे। बेसिकली ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाने वाले थे IEF के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ VP और प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको प्रोक्योर किया जाना था, जिसके लिए लगभग 1600 करोड़ रुपए दे दिए गए थे और जो एक बैंक गारंटी है वो भी इंश्योर कर दिया गया था लगभग 2000 करोड़ का। तो इसमें से ज्यादातर पैसे रिकवर कर लिए गए थे, लेकिन जब तक स्कैम को लेकर जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आती, 3 जो हेलीकॉप्टर हैं वो डिलीवर कर दिए गए थे 2013 तक और वो तीनों ही चौपर अभी आज के टाइम पे IEF के पालम बेस में खड़े हैं और काफी अच्छी कंडीशन में भी है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जो बैन है वो अपलिफ्ट कर लिया गया है, तो हो सकता है जो हेलीकॉप्टर हैं वो आपको फ्लाई करते हुए दिखें। अभी के टाइम पे जो भी इस तरह के एप्लीकेशन है आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए वो रशियन MI-17 से किए जाते हैं पूरे, और इसको लेके आपके पास ऑलरेडी प्लानिंग है कि जो आपका HAL का IMRH होगा वो इस पर्टिकुलर रोल को आगे लेके जाएगा, जिसका जो डेवलपमेंट है वो शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक जो हेल्प है पर्टिकुलरली इंटीरियर को लेके वो आपको इस पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से मिल जाएगा, यानी कि AW101 से मिल जाएगा। सो लियोनार्डो से बैन हटने के बाद दूसरे डिफेंस डील में जो एक कोऑपरेशन है क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके वो आपको मिल सकती है। हालांकि जो चीज़ें अभी करंट में लियोनार्डो ऑफर कर रहा है स्पेशली एयर डिफेंस को लेके, वो सारी चीज़ें हम भारत में डेवलप कर चुके हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स को लेके हो, हेलीकॉप्टर्स को लेके हो, ISR रडार को लेके हो या फिर अनमैन्ड एरियल सिस्टम को लेके हो। तो इन सब पे जो भारत का काम है वो कहीं ना कहीं अपने फाइनल स्टेज में है और बहुत सारे जो काम है वो पूरे भी कर लिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ खास जो ऑफरिंग है स्पेशली एयर डोमेन में वो आपको नहीं मिलेगा, लैंड डोमेन में जो एक ऑफरिंग आपको मिल सकती है, चाहे वो C4I प्लेटफॉर्म को लेके हो, आर्मर्ड व्हीकल को लेके हो या फिर ऑप्ट्रॉनिक के साथ साथ जो UGV हैं उनको लेके हो। बात करते हैं नेवी के लिए, तो ये सी कमांड कंट्रोल्स हैं, वहाँ पर कुछ जो कोऑपरेशन है वो मिल सकता है। नेवल रडार को लेकर जो कोऑपरेशन है वो यहाँ से आपको मिल सकता है। वहीं पे कम्युनिकेशन की बात है तो ज़्यादातर हम भारत में डेवलप कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर सिस्टम भारत डेवलप कर चुका है, लेकिन जो पार्टिसिपेशन होगा क्वालिटी प्रोडक्ट का वो आपके सिस्टम में आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।